नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर सुबह कई संगठन के किसान एक्टिव हुए और ये महापंचायत की गई थी। इसके बाद सभी किसान ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नोएडा पुलिस ने दलित प्रेरणा स्थल के बाहर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी है और इसका जायजा ले हमारे संवाददाता विनायक गुप्ता ने। नोएडा में किसान जो है दलित प्रेरणा स्थल से रोड पर निकल कर आ गए हैं और साफ तौर पर पूरी तरीके से जितने भी किसान हैं तिरंगे होकर के रोड पर उतर आए हैं और दिल्ली का जो नोएडा और कालंदी कुंज जो दिल्ली का बॉर्डर है वहां की तरफ रुख कर रहे हैं और साफ तौर पर निकल आ गए हैं। वहाँ जा करके वो जाम लगाएंगे और साफ तौर पर नोएडा पुलिस जो है उनके आगे आगे चल रही है। नोएडा पुलिस ने साफ तौर पर उनको कहा है कि हम इनको वहाँ पर रोक लेंगे और इनकी मांग ये है। नंगा उतर के किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दिल्ली में जाने के लिए कुछ कर चुके हैं। फिलहाल जो है ट्रैक्टर ट्रोली के साथ और सैकड़ों की संख्या में किसान जो है यहाँ से निकल कर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस जो है इनको आगे ही रोक देगी और इनको दिल्ली की साइड कहीं जाने देगी। पुलिस का ये भी कहना है। नोएडा से विनायक गुप्ता, जनकंठ टीवी। इस समय हम नोएडा दलित प्रेरणा स्थल पर हैं और सुबह ही किसानों के कई संगठन किसान के साथ पंचायत किए हुए थे और वहां पर पंचायत के बाद में निर्णय लिया है कि वो अर्ध नंगे होकर के दिल्ली कूच की तरफ निकलेंगे। वहीं नोएडा पुलिस ने पूरी तरीके से यहां पर बैरिकेडिंग कर दी है। पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है कि किसी भी कीमत में उनको यहाँ से DND की तरफ कूच करने नहीं देंगे दिल्ली की साइड और पूरी सुरक्षा में बैरिकेडिंग लगा रखी है। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर रखे हैं कि किसी भी तरीके से किसानों को दलित प्रेरणा स्थल से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा और उन्हें किसी भी तरीके से जाम भी नहीं लगाने दिया जाएगा। साथ ही साथ अब देखना होगा कि किसान ने वहाँ पंचायत की है और उसमें निर्णय लिया है कि वो DND जाम करेंगे और दिल्ली के साइड कूच करेंगे। देखना होगा कि नोएडा पुलिस उन्हें रोक पाती है कि नहीं। नोएडा से विनायक गुप्ता, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss any update.